नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजीत। यूरोपीय देश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक ट्रक कई लोगों को रौंदते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर में जा घुसा। इस घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है। चश्मदीदों के मुताबिक इसके बाद वहां फायरिंग भी हुई। पुलिस इस मामले को आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। स्वीडन के प्रधानमंत्री के मुताबिक अब तक सभी संकेत आतंकवादी हमले के ही हैं और एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रक हमले के बाद स्टॉकहोम में ट्रेन और मेट्रो सर्विस को बंद कर दिया गया है और जिस जगह पर यह वारदात हुई है उस जगह से भारतीय दूतावास सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। भारत के राजदूत ने यह बताया कि यहां सभी भारतीय सुरक्षित हैं। I started, I heard a lot of these women speaking in a very high tone. I didn't understand what they were saying because they were all speaking in Swedish. And when I came out, I was about to leave, some of them started, they were crying. And they were screaming outside. So I asked them what happened. And she said that don't go out, there has been a truck which has hit people and it is running people down.